वर्ल्ड पासपोर्ट ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है जिसमें टोटली कंट्रीज़ की रैंकिंग जारी की है, जिस पर पाकिस्तान की जो रैंकिंग है वो 113 नंबर पर है। और अगर हम बात करें अपने पड़ोसी मुल्क की तो इंडिया की उसमें जो रैंकिंग आ रही है वो 87 है। सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के पासपोर्ट की जैसे जैसे हमारे रुपए की बेकदरी का सिलसिला जारी है ना, ऐसे ही हमारे पासपोर्ट की बेकदरी का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान को या पाकिस्तान के पासपोर्ट होल्डर्स को वीजा एंट्री का जो प्रिविलेज है उसे खत्म किया है। हमारा जो पासपोर्ट है इससे तो हमारे वजीर आजम है जो उसकी पेंट उतरवा ली जाती है उधर यूएसए के एयरपोर्ट पे। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जिस वजीर आजम की पेंट उतरवा ली एयरपोर्ट पे तो वो हमारे पासपोर्ट को वो लोग कोई बड़ी इज्जत दे रहे होंगे? मैं तो ये सोच रहा हूँ मैं पाकिस्तानी पासपोर्ट जब कहीं दिखाता हूँ तो इतनी बेइज्जती क्यों होती है भाई सब, जब देखो पाकिस्तानी पासपोर्ट की बेइज्जती, जब देखो पाकिस्तानी पासपोर्ट की बेइज्जती क्यों? एक एटमी ताकत है नाज़रीन जिसका इसका बड़ा मान और होना भी चाहिए हमें। हमारे पास दुनिया की छठी बड़ी फौज है, इसका हमें बड़ा मान और होना भी चाहिए, लेकिन हमारा पासपोर्ट उसकी वर्थ क्या है? डुप्लीकेट डुप्लीकेट बना लेते हैं, तस्वीरें उतार बना के देता है। ये पाकिस्तानी है, ये इनके अलावा और कुछ बना के कौन देता है? पाकिस्तानी बनाते हैं और कोई दूसरा नहीं बनाता। जाते भी पाकिस्तानी है, जाते भी पाकिस्तानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का INA न्यूज की एक और नए वीडियो में। दोस्तों जैसे कि आप लोगों को अभी पता होगा कि अभी जो पासपोर्ट रैंकिंग 2022 है वो जारी हो चुका है, और दोस्तों इसमें एक बार फिर से पाकिस्तान की रैंकिंग 113 और वही अगर इंडिया की बात की जाए तो वो 87 है। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया एक बार फिर से रोती हुई नज़र आ रही है, और जैसा कि अपने इंट्रो में भी देखा कि पाकिस्तान का साफ तरीके से यही कहना रहता है कि इसमें साजिश है या फिर हमारे जो लोग हैं वो इन साजिशों के साथ मुलब्बिस रहते हैं। दोस्तों आपको पता होगा कि पाकिस्तानी जब भी पासपोर्ट रैंकिंग आती है तब पाकिस्तान का जो हाल है वो बेहाल होता ही नज़र आता है, कभी भी पाकिस्तान जो है वो इस रैंकिंग में सुधरता हुआ नहीं दिखता है। लेकिन वही अगर इंडिया की बात की जाए तो दिन पे दिन जो इंडिया का पासपोर्ट है वो अच्छा होता जा रहा है, और वही अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो दिन पे दिन ख़राब होता जा रहा है। और दोस्तों जो अभी पाकिस्तान में स्थिति बनी है उसको देखते हुए तो और भी कहा जा सकता है कि पाकिस्तान सबसे लास्ट जो देश होगा जो कि सबसे नीचा होगा। वही अगर आपने देखा होगा कि जिस तरीके से पाकिस्तान में अटैक भी हो रहे हैं, तो इन सब चीज़ों की वजह से भी पूरी दुनिया में जो लोग हैं वो पाकिस्तानियों को पसंद तो नहीं करते, इससे तो ये सब चीज़ें जो हैं वो साबित होती हैं। और वही अगर इंडिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया आज इंडिया को सपोर्ट कर रही है और अपने यहाँ लाने की भी कोशिश कर रही है। तो दोस्तों चलिए हम पहले वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि पाकिस्तानी जो पब्लिक है उसका इन सब चीज़ों पर क्या रिएक्शन है। सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और वो सबसे ज़्यादा ग्रोइंग इस वक्त मंडी है दुनिया की, और उसमें आप ये देखो वो IT में वो किधर जा रहे हैं, लोग उन पे डिपेंड करते हैं, हम पे लोग डिपेंड नहीं कर रहे। हमारा जो पासपोर्ट है इससे तो हमारे वजीर आजम है जो उसकी पेंट उतरवा ली जाती है उधर USA के एयरपोर्ट पे। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जिस वजीर आजम की पेंट उतरवा ली एयरपोर्ट पे तो वो हमारे पासपोर्ट को वो लोग कोई बड़ी इज्जत दे रहे होंगे? सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के पासपोर्ट की जैसे जैसे हमारे रुपए की बेकदरी का सिलसिला जारी है ना, ऐसे ही हमारे पासपोर्ट की बेकदरी का सिलसिला जारी है। आपको शायद लग रहा हो कि यार हमने कौन सा कोई बाहर जाना होता है, अक्सरियत हमारी ऐसी है ना, तो आपको होता है हमने कौन सा कोई बाहर जाना होता है, हमें इससे क्या लगे पासपोर्ट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। लेकिन नहीं, आपको उस बात का अंदाजा नहीं है कि जब आपके पासपोर्ट की बेकदरी में इजाफा होता है ना, आपके पासपोर्ट की कदर गिरती है, बराह रास्त उसका ताल्लुक आपसे भी होता है, आपके मुल्क से भी होता है, और आपके मुल्क की मईशत से भी होता है। नाज़रीन हमारे मुल्क का पासपोर्ट, अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक हमारे मुल्क का जो पासपोर्ट है वो नीचे से चौथे नंबर पर है। कोई ये ना समझ बैठे कि जनाब हम फर्स्ट फोर में आते हैं, हम लास्ट से यानी लास्ट फोर में हमारा जो नंबर है, और ये इंतहाई शर्मनाक बात है कि हमारे से पीछे जंगजदा मुल्क शाम है, हमारे से पीछे अभी हाल ही में जंग का खात्मा करने वाला मुल्क इराक है, और हमारे से बिल्कुल पीछे जिसे कहते हैं ना हमारे बिल्कुल साथ जो है वो है अफगानिस्तान। मतलब हमारा शुमार इन ममालिक की फहरिस्त में होता है। हमें एक एटमी ताकत है नाज़रीन जिसका बड़ा मान और होना भी चाहिए हमें। हमारे पास दुनिया की छठी बड़ी फौज है, इसका हमें बड़ा मान और होना भी चाहिए, लेकिन हमारा पासपोर्ट उसकी वर्थ क्या है? अब यहाँ पे मैं जो खबर है इस हवाले से दी गई, जो डिटेल खबर में दी गई है वो मैं आपके सामने कोट करने जा रहा हूँ, और ये हमने इसकी कदर हमने बढ़ानी है। इसकी कदर होगी तो आपकी मेरी कदर होगी। एयरपोर्ट्स के ऊपर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जो लाइनों में लग के आप और हमारी जलालत हो रही होती है, हमारे पास दो दो घंटे की जो क्वेश्चनिंग हमसे की जाती है ना, वो ना हो। डुप्लीकेट डुप्लीकेट बना लेते हैं,
तस्वीरें उतार बना के देता है, तो ये पाकिस्तानी है, ये इनकलाब और कुछ बना के कौन देता है? पाकिस्तानी बनाते हैं और कोई दूसरा नहीं बनाता। जाते भी पाकिस्तानी है? जाते भी पाकिस्तानी है। आपने नहीं कभी ट्राई किया? नहीं मैंने नहीं ट्राई किया, नहीं मैंने ट्राई नहीं किया। तीन ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने पाकिस्तान को या पाकिस्तान के पासपोर्ट होल्डर्स को वीजा एंट्री का जो प्रिविलेज है उसे खत्म किया, यानी कोई भी शख्स जो है वो विदाउट वीजा अब इन कंट्रीज में नहीं जा सकता, जिनमें एक बेनिन है, एक बोलीविया है और जिबौटी है। ये तीन कंट्रीज है जिन्होंने इसे रिफ्यूज कर दिया। अरे सुनिए, आपने कहा हुआ कि आप दुनिया में आपके पासपोर्ट की बड़ी कदर हो जाएगी, बेचारे नौजवान समझ रहे थे पासपोर्ट लेके जाऊंगा बताने का वीजा ठग से लग जाएगा, आपको भूटान में वीजा देने को तैयार नहीं, आपकी हालत ये हो चुकी है। गुजारिश ये है कि जब तक आपकी तरजीहात आपकी गवर्नेंस पासपोर्ट नहीं, पाकिस्तान इज वन ऑफ द थ्री मेजर फेवरेट कंट्रीज में है ट्रैवलिंग के लिए। सर सुने ये इंटरनेशनल रेटिंग जो आती है, मैं गुजारिश करूं आपके फिल्मों के कनाडा की वीजा कम हो गया। यार ये तो आप कंपेयर करें, अगर आप कंपेयर करें एजुकेशन वीजा इंडिया के साथ, चेक करें अपने वीजा चेक करें, आपको पता चल जाएगा कि आपके साथ हो क्या रहा है। की रिपोर्ट के मुताबिक सन 2022 की तीसरी सहमाही के लिए पाकिस्तानी पासपोर्ट ने अपना 109वां नंबर बरकरार रखा है। ये इंडेक्स में चौथी बदतरीन पोजीशन है। पाकिस्तानी पासपोर्ट पर सिर्फ 32 जगहों पर वीजा फ्री एंट्री मिल सकती है। अच्छा, बेसिकली जो गेज किया जाता है ना कि जिस बुनियाद पे ये फैसला किया जाता है, वो इस बुनियाद पे किया जाता है कि ऐसे कौन से ममालिक हैं जो इस पासपोर्ट पे वीजा फ्री एंट्री देते हैं, यानी आपको वीजा लगवाने की जरूरत नहीं है, आप कहीं भी जा सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, अगर आपके पास जापान का पासपोर्ट है, आप तकरीबन दुनिया के तमाम ममालिक में वीजा लिए बगैर जा सकते हैं, यानी ये उसके पासपोर्ट की वर्थ है। पासपोर्ट से वर्थ से मुराद क्या है कि दीगर ममालिक उस मुल्क के शहरी पे एतबार करते हैं कि ये बंदे का बच्चा होगा, यहां पे आके कोई गलत काम नहीं करेगा, यहां पे आके हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उस मुल्क पे एतबार होता है, ये उस मुल्क के शहरी पे एतबार होता है, ये पासपोर्ट की वर्थ होती है। दोस्तों जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि इसमें पाकिस्तानी पब्लिक और पाकिस्तानी मीडिया दोनों लोगों का रिएक्शन है। पाकिस्तानी मीडिया की अगर बात की तो पाकिस्तानी मीडिया जो शुरू से ये कहती आती है कि जब भी पाकिस्तान के साथ कुछ भी गलत होता है, पाकिस्तान में कुछ भी डाउनफॉल की ओर जाते हैं, तो वहाँ पर वो इंडिया की साजिश, अमेरिका की साजिश और पूरी दुनिया की साजिश उसमें बता देते हैं, यानी कि वो किसी को भी नहीं छोड़ते। वही अगर बात करें पाकिस्तानी पब्लिक की, तो वो पाकिस्तानी मीडिया देखते हैं और इसीलिए उनका भी यही कहना रहता है कि जो इसमें साजिश है वो इंडिया की ही है। लेकिन दोस्तों आपको पता ही होगा कि जो ये जो रैंकिंग आती है ये किसी देश के सपोर्ट या किसी दबाव पे नहीं आती, बल्कि ये लोगों के इंटरेस्ट पे आती है और देश के इंटरेस्ट पे आती है कि जो देश है वो क्या पाकिस्तान को अपने यहाँ आने देना चाहता है या फिर जो इंडिया उसको आने देना चाहता है। और इसीलिए इससे ये बात साबित हो जाती है कि जो पूरी दुनिया है, यहाँ तक कि चाइनीज भी, वो पाकिस्तानी लोग जो हैं वो उसको पसंद नहीं करते। जो पाकिस्तानी ये बात करते हैं कि चीन हमारा दोस्त है, उनको ये समझ जाना चाहिए कि चीन सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए यहाँ पे रुका है। आज अगर पाकिस्तान से उनका इंटरेस्ट जो है वो ख़त्म होता है, तो फिर वो पाकिस्तान को भी वैसे ही लपेटेंगे जैसे श्रीलंका को लपेट रहे हैं। और इसीलिए पाकिस्तानियों का ये गलत फहमी रहता है कि जो चाइना है वो हमारा दोस्त है और हमें ये बचाएगा। लेकिन दोस्तों हम बात कर रहे हैं जो पासपोर्ट रैंकिंग 2022 का जो नया डाटा है, उसमें एक बार फिर से पाकिस्तान जो है वो बेहतर होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। आई थिंक कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल INL न्यूज़ को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक लिए देखते रहे INL न्यूज़।